हेलो गाइस, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म ई लर्नर। गेट लाइफ साइंसेस के केमिस्ट्री पोर्शन को बहुत ही ज्यादा आसान और स्कोरिंग बनाने के लिए मैं आया हूं, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सोनक सिन्हा बाबू। ये कुछ बातें हैं मेरे बारे में और मैं इन ए नटशेल आपको टू द पॉइंट चीजें बताऊंगा और हम मिलकर सीखेंगे केमिस्ट्री के इस सब्जेक्ट को और गेट एक्सेल के प्रिपरेशन को हर स्टेप पे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाते चलेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। हाय, सो पिछले वीडियो में हम क्राइटेरिया देख रहे थे और क्राइटेरिया में पहला क्राइटेरिया हमने देख लिया था कि रिंग होना चाहिए, जो हमारा एरोमेटिसिटी के लिए पहला क्राइटेरिया था। साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक के साथ साथ वहां पे कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स होने चाहिए और एक और बात कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए एज इन बेंजीन, तो साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड्स के साथ। अगला हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए जिसमें कि एक पी ऑर्बिटल कम से कम अनहाइब्रिडाइज्ड बचा रहे। यहां पे ज्योमेट्री कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, राइट? तो हमने ये भी देखा था कि वो प्लेनर होता है, बेंजीन जो है एक प्लेनर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। अगर मैं एक कंपाउंड ऐसा शो करूं, क्योंकि आगे एग्जांपल्स हम ऐसा देखेंगे, आप डायरेक्टली पता कर सकते हो क्या है यहां पे, ये जो आपका एटम है क्या यहां पे डबल बॉन्ड है? नहीं है, यानी ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का होना मतलब क्या है कि इधर दो प्लेन में है, एक प्लेन से बाहर और एक प्लेन के अंदर। दिस इज योर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और ये sp3 का कैरेक्टरिस्टिक होता है। और टेट्राहेड्रल का मतलब क्या कि वो पकड़ हो जाएगा प्लेन से, उसको प्लेनर रहने नहीं देगा, उठ जाएगा ऊपर, ठीक है? जिस भी चीज से प्लेनैरिटी नष्ट हो या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड अगर एक भी नहीं है तो एरोमेटिक क्लू से आप कंसीडर ही नहीं करोगे। ये दिखा और आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, बोल दोगे कि नॉन एरोमेटिक है, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें हम समझते चल रहे हैं हर एक स्टेप पे। प्लेनर, दूसरा मैंने देख लिया कि यहां पे चीजें प्लेनर मतलब ऑब्वियसली प्लेन में लाई करेंगी, एटम्स जो है प्लेन में लाई करेंगे और जो अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल्स है वो इस तरीके से क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे साइडवाइज और एक कंटिन्यूअस रिंग सा बन जाएगा पैरेलल ऑर्बिटल्स का, ठीक है, पी ऑर्बिटल्स का। ये हो गया प्लेनैरिटी तक, ये हमने देख लिया था पिछले वीडियो में। अब यहां से देखेंगे हम लोग चौथा क्राइटेरिया। चौथा क्राइटेरिया क्या कहता है कि यहां पे डीलोकलाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन्स का। पाई ऑर्बिटल्स हैं, जो पी ऑर्बिटल्स हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे वो बेसिकली पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के शेयरिंग से तो आपका पाई बॉन्ड बनता है। तो इन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक जगह पे मैं बैठा हुआ हूं, अब मैं अगर चल रहा हूं दूसरे जगह तक जा रहा हूं, यानी मैं अपने जगह से डीलोकलाइज हो रहा हूं, डीलोकलाइजेशन ये होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होना इस पूरे रिंग में बहुत जरूरी है और इस केस में, इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, मैं ये ध्यान से आप ध्यान देना कि इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ओवर द रिंग, इट लोअर्स द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को लोअर करता है। और आपको पता है कि किसी भी चीज का एनर्जी अगर कम हो जाए तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, यानी अगर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इज लोअर्ड सो इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स स्टेबल, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? तो ये बात हमें पता चल गया कि डीलोकलाइजेशन इस तरीके से होता है। यानी अगर मैं दिखाऊं आपको कि इस तरीके से आपका बेंजीन है, बेंजीन में क्या हो रहा है, यहां पे ये जो पाई बॉन्ड है ये उठ के यहां जा सकता है, ये जो पाई बॉन्ड है ये उठ के यहां आ सकता है, ये पाई बॉन्ड उठ के यहां आ सकता है, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्ड्स टूट के वापस दूसरी जगह बन सकते हैं, क्योंकि जो कंटिन्यूअस रिंग सा बना हुआ है ना पी ऑर्बिटल्स का, इसी में इलेक्ट्रॉन्स नाच सकते हैं, घूम सकते हैं और इस तरीके से डीलोकलाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पहले के क्राइटेरिया सारे पूरे हो। साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, तभी जाके डीलोकलाइजेशन होगा। तो हर एक पॉइंट एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो डीलोकलाइजेशन सक्सेसफुली बेंजीन में होता है और बेंजीन इस तरीके से अपना रेजोनेंस करता है। एग्जैक्टली, डीलोकलाइजेशन का मतलब ऐसा कोई रेजोनेंस सिस्टम का प्रेजेंस होना, ठीक है?
तो इस तरीके से डीलोकलाइजेशन होता है और बेंजीन के जो बॉन्ड्स कभी इस तरफ थे अब ये बॉन्ड्स इस तरीके से हो गए। अभी भी वो कॉन्जुगेशन में तो है, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड है, बट पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक रेजोनेंस का सिस्टम होना चाहिए और रेजोनेंस में हम जानते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन जरूर होता है। जैसे कुछ सिस्टम्स होने चाहिए, जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि इस तरीके का कोई सिस्टम हो जहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मैं बस दिखा रहा हूं, ठीक है, ये ऑब्वियसली एक साइक्लिक स्ट्रक्चर ही होगा, बस मैं इतना दिखा रहा हूं, बॉन्ड्स को दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं दिखाऊं कि ऐसा एक सिस्टम हो कि इस तरीके से आपके पास एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और उस वाले एटम पे प्लस चार्ज हो, बिल्कुल यहां पे भी रेजोनेंस हो सकता है, राइट, ये इधर चला जाएगा तो इस तरीके से आपका यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ऐसे दिखाऊं नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है, अगर आपको नेगेटिव चार्ज के साथ दिखाऊं तो नेगेटिव चार्ज ये जो इधर है इधर मूव कर सकता है, ये उठ के इधर आ जाएगा और इस तरीके से ये भी आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है। तो ये कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, आगे चल के और भी हम मॉलिक्यूल्स के केस में देखेंगे इस चीज को, ठीक है, बट ये कुछ जनरल चीजें हैं कि ऐसा आपके पास रेजोनेंस के सिस्टम्स होने चाहिए, ठीक है, कॉन्जुगेशन में। ऑब्वियसली मैंने पहले ही बोल दिया कि साइक्लिक तो होना जरूरी है, यहां बस मैं दिखा रहा हूं कि इस तरीके से बॉन्ड का प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारे इनकेस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, बट अगर मेरे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर हुए, एंटी एरोमेटिक में यही एक फर्क है कि जो डीलोकलाइजेशन वहां पे भी होगा, एंटी एरोमेटिक में भी डीलोकलाइजेशन तो होगा, पहले के क्राइटेरिया सारे फॉलो होंगे एंटी एरोमेटिक के केस में, लेकिन 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 इस वाले डीलोकलाइजेशन के साथ एक चीज तो होगा कि रिंग, मतलब यहां पे अगर मैं बोलूं एंटी एरोमेटिक में डीलोकलाइजेशन होता है, बिल्कुल होता है, पर यहां जो है यहां पे इट मस्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ठीक है, और इसलिए एनर्जी बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा। इसीलिए अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, स्टेबिलिटी के केस में एरोमेटिक कंपाउंड्स विल बी मच मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, और यह बात आपको दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है। यहीं पे मैंने बता दिया कि स्टेबिलिटी का फर्क पड़ जाता है इन लोगों में, बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में, दो ही चीजें डिफर करती हैं, एक ये कि डीलोकलाइजेशन तो दोनों में होता है, ये कॉमन है, बट डीलोकलाइजेशन से एरोमेटिक के केस में क्या हो रहा है कि रिंग का ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लोअर हो रहा है, बट एंटी एरोमेटिक में वही चीज क्या कर रहा है कि डीलोकलाइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो बढ़ जाता है, इसीलिए स्टेबिलिटी घट जाती है। तो स्टेबिलिटी का ऐसा हमें एक ऑर्डर मिलता है। फाइन, अब आते हैं, रंग दिख रहा है, सुनहरे रंग से इसे लिखा है मैंने कि दिस इज योर गोल्डन रूल फॉर एरोमेटिसिटी, और ये सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है, प्रोवाइडेड आपके पहले के सारे क्राइटेरिया फॉलो हो रहे हो, ठीक है। तो दिस इज योर गोल्डन रूल विच इज नोन एज हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या बोलता है कि कभी भी किसी भी कंपाउंड को अगर आपको एरोमेटिक कहना है तो उसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, यानी टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ये इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फिट होने चाहिए, क्या 4n प्लस 2, जहां पे n क्या है, n कैन बी 0, एनी होल नंबर, n कैन बी 0, n कैन बी 1, n कैन बी 2, n कैन बी 3, n कैन बी डॉट 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 एनीथिंग, ठीक है। देखते हैं क्या फॉर्मूला में बैठ रहा है, देखिए आप पुट कीजिए यहां पे 4 इंटू 0 प्लस 2 कितने होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जी हाँ, एरोमेटिक, प्रोवाइडेड आपके सारे क्राइटेरिया पहले के फॉलो हो रहे हो, इसे भूल नहीं जाना है, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू 1, यहां पे क्या होगा 4 इंटू 1 प्लस 2,
क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि कॉन्जुगेटेड, आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स के फॉर्म में भी देख सकते हो, लेकिन बहुत बार क्या होगा कि आपके पास पाई बॉन्ड नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस केस में आप डिटरमाइन करने में फेल हो जाओगे, इसीलिए शांति से आपको नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 4 × 2 + 2 यानी क्या हो जाएगा, 8 + 2 = 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दिख रहा है कोई पैटर्न, 4 का डिफरेंस, तो यानी 2, 6, 10, 14, 18 .. इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर हुए तो जो मेरा ये होगा, ऑब्वियसली आपका फॉर्मूला 4n + 2 पाई होगा, और इस 4n + 2 पाई यानी हकल रूल को फॉलो करने वाले सारे कंपाउंड्स क्या कहलाए जाएंगे, ये कहलाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिलहाल के लिए तो हम बस एक ही एग्जांपल देखेंगे, वो है बेंजीन का। ठीक है, बेंजीन हमारा साइक्लिक था, हाँ। बेंजीन प्लेनर था, हाँ। बेंजीन के सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड थे, हाँ। उस्मान हाइब्रिडाइज्ड प्योर मेटल मिनिमम एक प्रेजेंट था, जी हाँ। कॉम्प्लिकेटेड कंजुगेशन था और डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो रहा था। क्या हकल रूल फॉलो करता है बेंजीन? तो सबसे पहले काउंट करके देखिए कितने सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक पाई बॉन्ड में कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, टोटल यहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे 6, देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहा है यहां पे ऑलरेडी फॉलो कर रहा है, फिर भी हम देखेंगे इसको लिख के कि 4 × 1 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये फिट हो रहा है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्मूला में, यानी हकल रूल हकल्स रूल इज फॉलोड, हकल्स रूल को फॉलो कर गया, यानी फाइनली पहले के क्राइटेरिया को भी फॉलो किया, हकल रूल को भी फॉलो किया, पांचों क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, तब जाके मेरा कंपाउंड कहलाएगा एरोमेटिक। और हमें पता था कि बेंजीन एरोमेटिक है, मैंने पहले ही बोला था, अब हमने प्रूव कर दिया इन सारे क्राइटेरिया पे, चेकलिस्ट को टिक करते करते हम पहुंचे इस कंक्लूजन पे कि बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड, हकल रूल को फॉलो करता है। ठीक है, तो अच्छा एंटी एरोमेटिसिटी के लिए क्या है, एंटी एरोमेटिसिटी के लिए हम बोलेंगे कि हकल रूल होता ही है वहां पे भी, पर हकल रूल वहां पे क्या होता है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी आप क्या बोलोगे, अब तो आपको पता चल गया 4, 8, 12 .. ये अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए तब हम कहेंगे इनको एंटी एरोमेटिक। थियोरेटिकली आप एंटी एरोमेटिसिटी एरोमेटिसिटी दोनों को समझ गए, हकल रूल के बेसिस पे कैसे हम बताते हैं। ठीक है, तो समराइज कर दूं एक बार, क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी क्या क्या है, पहला कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद साइक्लिक और उसमें क्या कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है, साइक्लिक एंड कंप्लीट कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड विथ पाई बॉन्ड्स, ठीक है, फिर ये होना चाहिए, उसके बाद sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, फिर प्लेनर भी होना चाहिए, ठीक है, हर एटम इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, एक भी sp3 दिख गया तो नहीं होगा, ठीक है, फिर डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज होने चाहिए, रेजोनेंस जैसा सिस्टम क्रिएट होना चाहिए, एंड फाइनली जो आपका गोल्डन रूल है कि हकल रूल फॉलो करना चाहिए, 4n + 2 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, और अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसे हम बोलेंगे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। आई होप आपका एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया वाला पार्ट दिमाग में एकदम बैठ चुका होगा, प्लीज इसे बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए, और ठीक है, इस तरीके से मैंने ऑब्वियसली ये बेंजीन का हमने एग्जांपल ले लिया कि किस तरीके से बेंजीन में ये ऑर्बिटल्स होते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि किस तरीके से ये साइक्लिक किस तरीके से ओवरलैप करते हैं और किस तरीके से बेंजीन सारे क्राइटेरिया को फॉलो करता है, बेंजीन साइक्लिक भी है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स भी हैं, प्लेनर भी है, डीलोकलाइजेशन भी होता है और हकल रूल को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो अब आपके लिए एक ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन, ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्पीशीज एरोमेटिक है, मैंने आपको एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, मैं चाहता हूं कि आपको बताए हुए थ्योरी से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। ठीक है, ट्राई इट योरसेल्फ, मिलता हूं आपके साथ अगले वीडियो में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारे इन क्राइटेरिया को अप्लाई कर करके और बताएंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है।
सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैप्पी लर्निंग. ठीक है, रिवाइज करते रहिएगा.